जिन बेटियों को कहा था प्रधानमंत्री जी ने, अपने घर पे भी बुलाया और प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि ये बेटियां मेरे परिवार का हिस्सा हैं। तो प्रधानमंत्री जी, आपके परिवार की बेटी 16 दिनों से जंतर मंतर में न्याय की गुहार लगा रही है और आप धृत राष्ट्र की तरह, वो तो असली में अंधे थे, आप जानबूझ के आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को। चुनाव ज़्यादा ज़रूरी है या देश की बेटियों की इज्जत ज़्यादा ज़रूरी है? क्या प्रधानमंत्री जी देश के जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उनकी इज्जत की कोई? अपने गुनाहों को छिपाने के लिए बृजभूषण तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, पहले दिन से लगा रहे हैं। कभी कोशिश कर रहे हैं कि ये एक परिवार की बेटियां बैठी हैं, कभी कहते हैं कि एक अखाड़े के बच्चे बैठे हैं, कभी कहते हैं एक राज्य के बैठे हैं, तब भी उनका काम नहीं चला तो एक आम महिला को बीच में घसीट के लाए हैं। इस नेशनल चैनल के पास मेरे लिए तो 10 मिनट थे, कहां कहां से मेरे फोटो ढूंढ के दिखा रहे, देखिए इस महिला को, उनके पास इतना टाइम है। अगर इतना टाइम इन खिलाड़ियों की सच्चाई दिखाई होती तो आज गुनहगार जेल के पीछे होता। ईमानदारी से अगर उन्होंने दिखाई होती न्यूज तो बेटियों की, लेकिन वो नहीं, सच्चाई नहीं दिखाएंगे, जानबूझ के इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश। शान और नफा ये पार्टी वाले जानते हैं, नेता लोग जानते हैं, हम लोग सिर्फ ये जानते हैं ये जो आंदोलन चल रहा है ये बेटियों के सम्मान में है और ये आंदोलन तभी बंद होगा जब बेटियों को न्याय मिलेगा। मैं देश की जनता को बताना चाहती हूँ, जिस दिन पीटी उषा यहाँ पे आई थी सबसे पहले वो सीधे हमारे खिलाड़ियों के पास गई। खिलाड़ियों से करीब 20 से 25 मिनट के करीब, मैंने टाइम नहीं देखा, करीब करीब 20-25 मिनट उन्होंने बातचीत की। जब वो बातचीत करके वापस अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो गेट के पास आके मैंने उनसे 3 सवाल किए थे। वहाँ पे बहुत सारे नेशनल चैनल थे, पुलिस वहाँ पे खड़ी हुई थी, पीटी उषा के साथ एक महिला आई थी और एक ऑफिसर उनके साथ में खड़े हुए थे और करीब करीब 1.5 फीट का फासला था मेरा और पीटी उषा मैम का। सबसे पहला सवाल मैंने उनसे किया था, मैडम जब आप देश के लिए मेडल लाए थे पूरे देश ने आपका सम्मान किया था। दूसरा मेरा सवाल था, अभी 2-3 दिन पहले आपने इस आंदोलन के बारे में जो कहा उससे पूरा महिला समाज का अपमान हुआ है। तीसरा मेरा सवाल था, आप एक महिला होते हुए महिलाओं का अपमान क्यों किया? अगर इन 3 सवालों के अलावा एक भी शब्द कोई मेरा कहा हुआ दिखा दीजिए, कहीं पे भी दिखा दीजिए कि मैंने पीटी उषा जी को टच किया हो या उनको कोई गाली दी हो या धक्का दिया हो। ना ही मैंने उनको टच किया ना मैंने कोई गाली दी, क्योंकि हम एक आर्मी परिवार से आते हैं, मैं अच्छे से समझती हूँ अनुशासन क्या होता है। और वो एक महिला जो मेरे सामने खड़ी थी, मैं वो चीज़ जानती थी कि ये इसने देश के लिए बहुत सारे मेडल लाए हैं, वो भी एक सम्मानित महिला है। इसीलिए मैंने सवाल में शुरू में यही कहा था कि पूरे देश ने सम्मान किया। देखिए वो रो नहीं रहे थे, अभी आप मेरे पास खड़े हो, आप मेरे से इतनी दूर हो, अगर आपके पीछे से कोई फोटो लेकर मेरी उंगली यहाँ है क्या टच हो रखी है? अगर किसी ने पीछे से फोटो लिया है तो वो, अगर वो ऐसा दिख रहा है, लेकिन ना ही, आप खुद पीटी उषा मैम से जाके पूछ लीजिए, उनके साथ जो महिला थी उनसे पूछिए, एक ऑफिसर उनके साथ खड़े थे, नेशनल चैनल वाले खड़े थे यहाँ पे। तो अगर मैंने ऐसा कुछ अपशब्द कहा होता, उनको टच किया होता, तो वो पिक्चर में क्यों नहीं दिखा रहे? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जो झूठ बोल के झूठा आरोप मेरे ऊपर लगा के देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मतलब उनको शर्म आनी चाहिए, झूठा आरोप लगा रहे हैं। मैं इनके ऊपर मानहानि का दावा कर सकती हूँ, क्योंकि अगर उनके पास सबूत है तो दिखाएं। एक भी, अगर मैंने 3 सवाल बताए उनके अलावा एक भी शब्द मैंने कहा हो या कोई उनको टच किया हो या गाली दी हो। तो जो हमारे भगत सिंह ने आंदोलन किए, महात्मा गांधी ने आंदोलन किए, अगर वो सब आंदोलनजीवी हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना आंदोलनजीवी है, तानाशाही सरकार से सवाल करना आंदोलनजीवी है, तो मैं खुल के कहूंगी और गर्व से कहूंगी कि हाँ मैं एक आंदोलनजीवी हूँ। मैं चाहूंगी कि पत्रकार भी आंदोलनजीवी बने, आवाज उठाएं, निष्पक्ष दिखाएं। उनका काम तो ढंग से कर नहीं सकते। अगर सभी पत्रकारों ने मिलके, खासकर नेशनल चैनलों ने मिलके इन बेटियों की आवाज दिखाई होती तो इन बेटियों के न्याय के लिए 16 दिन यहाँ नहीं बैठना पड़ता। एक दिन भी, एक मिनट के लिए भी अगर सभी चैनल ईमानदारी से, एक मिनट के लिए ईमानदारी से, सारे नेशनल चैनल ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता पे निभा दें तो इन बेटियों को तुरंत न्याय मिल जाए। उन लोगों का क्या है जो कह रहे हैं कि तो एक ही राज्य के लोग बैठे हैं, एक ही परिवार की महिलाएं बैठी हैं या एक ही अखाड़े के लोग बैठे हैं, तो ये तो आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ना। उनको यही कहना चाहूंगी, जो तुम्हें मीडिया में दिखाया जा रहा है वो सच्चाई नहीं है। जिसको भी लगता है कि मैंने कुछ गलत किया हुआ, मेरे सामने आए, मेरे से बात करें। और अगर वे मीडिया वाले जानबूझ के झूठा जो आरोप लगा रहे हैं, नहीं तो मैं उनके ऊपर केस करूंगी, या तो सुधीर चौधरी खुद आके मीडिया में बताएं कि सच्चाई क्या है।
पीटी ऊषा मैम से जाके पूछे कि क्या उस महिला ने आपको टच किया था, क्या कोई आप शब्द कहे थे। अगर ऐसा मैंने कुछ किया होता तो वहाँ पे बहुत सारी पुलिस थी, उसी टाइम मुझे गिरफ्तार कर लेती। अगर मैंने गाली दी होती एक सांसद को तो वो मुझे उसी टाइम गिरफ्तार कर लेती। तो ये जो देश की जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं, वो चाहे कुछ भी साजिश रचे, उन्होंने बहुत सारे हथकंडे अपना लिए आंदोलन को खत्म करने के लिए, क्योंकि जिसके ऊपर आरोप लगाया हुआ एक बहुत ही बाहुबली है, मैं कहूँगी बहुत बड़ा डॉन है, लेकिन बेटियों के साथ जो शोषण हुआ है उसके लिए सिर कटा सकते हैं। यह आरोप तो बहुत छोटी चीज है, जो चाहिए लगा लो। मतलब मैं इस रो मतलब मैं डर के नहीं रही हूँ, रोना इसलिए आ रहा है कि जब आप कोई गलती नहीं करते हो और फिर आप पे आरोप लगते हैं, और कुछ लोग जो घरों में बैठे वो विश्वास कर लेते हैं। अरे ग्राउंड पे आइए, सामने आके बात पूछिए तो सही, जिस पे आरोप लगाए हैं उसने ये गुनाह किया भी है कि नहीं। देखिए एक और सवाल है, शुरुआत में पहलवानों ने कहा था कि उनके साथ में कई सारी लड़कियां हैं, कई सारे पहलवान हैं जो कि ब्रजभूषण के द्वारा यौन शोषित हैं, लेकिन जिस तरह से अब FIR हुई है, शुरुआत में 7 पहलवान, उसके बाद 3 FIR, क्या मतलब ब्रजभूषण का विरोध करने वाले पहलवान अब खुलकर सामने नहीं आना चाह रहे हैं, या क्या बात है, ब्रजभूषण का डर है, खौफ है, क्या? बहुत तानाशाही है, वो बाहुबली है। जर उसने उस शुरुआत में ही छोटी बच्ची थी जो सबसे नाबालिग बच्ची थी, उसके घर में भी बंदे भेजना शुरू कर दिया था डराने के लिए, तो हो सकता कि इसकी कोशिश जारी हो। परिवारों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, परिवारों को डराया जा रहा होगा, लेकिन जो ये बेटियां बैठी हैं डरने वाली नहीं। ब्रजभूषण को अब तक किसी को धमकी दिया गया है ब्रजभूषण की तरफ से? यहाँ पे हमेशा माइक से बताया गया है, और इसने अपना बजरंग पुनिया ने खुद बताया है, सबके सामने बताया बजरंग पुनिया ने कि यहाँ पे भी उसके पास भी आके कुछ लोगों ने बोला बजरंग पुनिया को, अगर तू किससे पंगा ले रहा है, तू जानता नहीं वो कितना शक्तिशाली आदमी है। बजरंग पुनिया के ये शब्द हैं और ये मीडिया के सामने बोले गए शब्द हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता, हम बेटियों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिसने जो आरोप लगाना लगाता रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरा दिल जानता कि मैं कोई अच्छा काम कर रही हूँ तो ऊपर वाला जानता, तीसरा कोई क्या सोचता उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब पहलवान बैठे हुए हैं, लगातार धरना जारी है, अनशन जारी है, सुप्रीम कोर्ट से आप लोग कह रहे कमेटी गठित करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी गठित हो, तो क्या उस पर भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर कि अब आपका फाइनल निर्णय आ जाएगा? देखिए देश में सुप्रीम कोर्ट पे ही भरोसा हो, और तो किसी पे भरोसा नहीं रहा। सरकारों में तो भरोसा होता तो ना पुलिस पे भरोसा। पुलिस अगर ईमानदारी से अपना काम कर रही होती तो क्या 15 दिन तक वो खुला घूमता आरोपी? FIR दर्ज सुप्रीम कोर्ट के कहने से हुई है, देश का दुर्भाग्य है, किस लिए पुलिस थाने बना रखे हैं? इससे पहले भी कमेटी गठित हुई थी, अगर कुछ क्या नतीजा निकला? 3 महीने इंतजार करके बच्चे लास्ट में यहाँ पे आए। यही हमारा कहना है कि यदि कमेटी इस बार गठित होती है तो क्या इसके ऊपर आपका पूरा विश्वास होगा, या कमेटी में इसके बाद भी अगर आपके पहलवानों के अनुसार जो है उनकी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है तो फिर से धरना जारी रहेगा, अनशन जारी रहेगा? देखिए हमारी एक ही मांग है कि जो गुनहगार है उसको गिरफ्तार किया जाए, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी धरना जारी रहेगा। धन्यवाद। तो अभी तक आपने देखा, हमारे साथ थी सुदेश गोयात, पिछले कई दिनों से जो है पहलवानों के साथ बैठी हुई हैं, लगातार उनका समर्थन कर रही हैं, और एक बार फिर से आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने अपनी बातें कही। अब देखने वाली बात यह है कि क्या होता है आगे, पहलवानों का प्रदर्शन जारी है, लगातार सुदेश जी अपनी राय रख रही हैं, टिप्पणियां रख रही हैं, उनके ऊपर कई आरोप लगे थे, नेशनल मीडिया में भी उनके ऊपर सवाल उठाया गया था कि वे केवल और केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए ये सारी साजिश कर रही हैं, पहलवानों के साथ खड़ी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी क्लियरिफिकेशन दी, सफाई दी उन्होंने कि ऐसा वे क्यों कर रही हैं। खैर ये तो रही बात, आगे और भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे पहलवानों के अब तक की राय। आप जुड़े रहिए और देखते रहिए।